कि छत्तीसगढ़ का गरीब से गरीब युवा बड़ा सा बड़े से बड़ा सपना देखे, उसके पास सारे के सारे हथियार हो, अगर उसे छत्तीसगढ़ी की जरूरत हो छत्तीसगढ़ी, अगर उसे अंग्रेजी की जरूरत हो अंग्रेजी, अगर उसे हिंदी की जरूरत हो तो हिंदी। ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब लोग कोई भी सपना ना देखे, ये चाहते हैं कि आपके बच्चे मजदूरी करें। ये जो बीजेपी के नेता आते हैं 24 घंटा हिंदी 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 बोलते रहते हैं, आप इनसे एक सवाल पूछिए, आप इनसे ये पूछिए, भैया आप कहते हो कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, आप कहते हो छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़नी चाहिए, आप कहते हो हिंदी होनी चाहिए, आप हमें एक बात बताओ, आपके जो बच्चे हैं वो क्या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी सीखते हैं? पांच साल पहले ऐसी ही मीटिंग में बघेल जी ने, मैंने, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता से 3-4 वायदे किए थे। सबसे बड़ा वायदा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ होगा और एक ऐसी सरकार आएगी जो किसानों की रक्षा करेगी, जो किसानों की, मजदूरों की आवाज सुनेगी और उनको सुनकर सरकार चलाई जाएगी। हमने यह भी कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमने आपको सच बोला था या झूठ बोला था? हमने 15-20 बातें नहीं की थी, हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेज से बोला वो हमने करके दिखाया। एक और बात, हमने वायदा किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2,500 रुपए क्विंटल मिलेगा, किया था, किया था ना? आज क्या रेट है? आज 2,500 है या 2,640 है? 2,640 है। तो जो हमने वायदा किया था उससे हम आगे निकल गए हैं, वहां हम नहीं रुके, रुके नहीं। हम आपको यह कह सकते थे कि देखिए हमने तो 2,500 की बात करी थी, हमने 2,600, 700, 800 की बात तो नहीं की थी, मगर नहीं, हमने उसको 2,640 कर दिया। और आप बोलो भी ना, हम इसको आने वाले समय में 3,000 तक ले जाएंगे। क्यों? आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसान के दिल में जो है उसको हम समझ जाते हैं और उसकी आवाज, जो दिल की आवाज होती है वो हम सुन लेते हैं। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की, और सारे के सारे किसान सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए,
आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसान, सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया, और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। सुबह हमने पूछा, किसानों से पूछा, उनकी जमीन के बारे में पूछा, और मैंने उनसे पूछा, भाई आप जमीन का रेट क्या है? सीधा मुझे जवाब देते हैं, राहुल जी यहां पे कोई जमीन बेचना नहीं चाहता, हमें आप जमीन बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा है, हम जमीन बेचने की सोच ही नहीं रहे। तो यह ऐतिहासिक बदलाव आया है और बहुत गहरा बदलाव आया है, और हम चाहते हैं कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मजबूत हों। जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं वो गरीब लोग से कहते हैं, देखो हिंदी पढ़ो, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी की जरूरत है। हमारी सोच दूसरी है, हम कहते हैं हिंदी जरूरी है, छत्तीसगढ़ी जरूरी है और अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? अगर आप में से किसी को छत्तीसगढ़ में किसी से बात करनी है तो छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होगा, अगर आप यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे, बाकी हिंदुस्तान में जाएंगे तो हिंदी का प्रयोग होगा, और अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ेगा। सही बात, सही बात। अब आप एक काम कीजिए, ये जो बीजेपी के नेता आते हैं 24 घंटा हिंदी 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 बोलते रहते हैं, आप इनसे एक सवाल पूछिए, आप इनसे ये पूछिए, भैया आप कहते हो कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, आप कहते हो छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़नी चाहिए, आप कहते हो हिंदी होनी चाहिए, आप हमें एक बात बताओ, आपके जो बच्चे हैं वो क्या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी सीखते हैं? और ये सारे के सारे आपको बताएंगे कि नहीं भैया हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब लोग कोई भी सपना ना देखें, ये चाहते हैं कि आपके बच्चे मजदूरी करें और उनके बच्चे अंग्रेजी में बात करें, विदेश जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएं, कॉल सेंटर में काम करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का गरीब से गरीब युवा बड़े से बड़ा सपना देखे। अगर उसे इंजीनियर बनना है, अमेरिका में जाके काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके पास सारे के सारे हथियार हों, अगर उसे छत्तीसगढ़ी की जरूरत हो छत्तीसगढ़ी, अगर उसे अंग्रेजी की जरूरत हो अंग्रेजी, अगर उसे हिंदी की जरूरत हो तो हिंदी। यह हमारी सोच है।